अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ अम्मी के घर जाने के लिए। और आज मैंने ये मेहरून जोड़ा पहना है, मैं दिखाती हूँ ज़रा आपको सही से, ऐसे नज़र नहीं आएगा। हम दोनों ने ट्विनिंग करी है, मेरा भी मेहरून है और इनका भी मेहरून है। और तो आपको लॉक नहीं मिला। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर। सुबह जो मैंने वाइट वाला ड्रेस पहना हुआ था, वो जो है अपने ससुराल में मैंने ईद मनाई, एंड ये वाला ड्रेस पहनकर मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। कैसा लग रहा है ड्रेस? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका पूरा सेट था, मीन्स ये और इसके इयररिंग्स ने पहने, बल्कि जो है ना बस मैंने ये और ये लगा लिया, क्योंकि उसको लगाने की जगह नहीं थी, एयररिंग्स पहनने की जगह नहीं थी। खैर, क्योंकि वो नज़र भी नहीं आते और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, टाइम ये हो चुका है हमको, तो अभी हम लोग चलते हैं। और मैं भी जिल मिला रही हूँ माशाल्लाह से। तो जो है आप सबको भी हैप्पी ईद एंड अगेन हैप्पी ईद मुबारक। ये ईद का महीना है और इस पूरे महीने में आई थी मैं आपको ईद मुबारक मुबारक करती रहूँगी। खैर, और जो है अभी बस मैं अबाया पहनूंगी और बस घर के लिए निकलूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मुझे लगता है मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। खैर, चलो अभी चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पापा? अरे हाथ तो रख दो। अरे भाई, नहीं भाई, यही मिलेंगे हम तो। ईद मुबारक। वो देखो गेट पे मिल रहे हैं। सब कुछ अचानक अचानक से हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। दो मिनट भाई, दो मिनट भाई, भाई हमें थोड़े से काम थे अपने। हम ये बना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक है। दिखाए अपने आप को, कैसी लगनी है जरा? सबको देखूंगी, सबको देखूंगी, सबको देखूंगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इस बार मैं सबसे आखिर में मिली हूँ अम्मी से ईद मुबारक, वरना हर साल में पहले पहले मिलती थी, सबसे पहले मगरिब के बाद रेडी। हमने ट्विनिंग करी है। ट्विनिंग मतलब सेम कपड़े पहने, बस इनके कपड़ों में चमक नहीं। क्या वेयर किया है भाई? अरे अरे, ये तो मेरी पसंद का है जोड़ा, याद है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। और तहसीन दो दिखाओ अपने कपड़े। तहसीन का सी ग्रीन कलर के कपड़े, डार्क ग्रीन कपड़े। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह, शुक्रिया। अम्मी देखो ना, मेरे आते ही फूल खिल गए घास पे। घास पे फूल खिल गया। जी ये वही है। और आसिम चौपा ने आज अपलोड भी कर दी, आज अपलोड करी है। अरे देखो देखो, है यही वाली। हाँ हाँ, अरे तुम भी हो गया गुस्से वाली? गुस्सा लगवाने वाली बात भी आप हो गया? किसको जाओ गया? अपने कपड़े दिखा रही हूँ, मेरी ईद का जोड़ा है। मैंने ईद का जोड़ा पावा। यार ये तोलिया टंगी हुई क्यों आती है? बेटा मैंने सेटिंग करके दी ना, अब सही बन रही है। पहले सेटिंग करके दी थी मैंने उसको कैमरे की, आ रही होंगी। मैं और
और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए थे कुछ फोटोशूट के लिए। और ये वाली जो प्लेस है ना, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे ना तो वहाँ पर जो है बहुत सारी पिक्चर्स आपको ये वाली लोकेशन में नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड है ना ये मेरा फेवरेट है। दूसरा की जो लाइट्स लगी हुई हैं, मेरी शादी पर लगी थी और ये अभी तक लगी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और देख कर एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। साथ साथ में आप लोगों को पिक्चर्स सारी देखनी हो, हमने किस तरह से जो है ना पोजेज वगैरह सब कुछ बनवाया था, वो यहाँ पर अपलोड करूँगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा अमरनाथ ऑफिशियल के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाई हो कैसे स्टार्ट करे? अस्सलाम वालेकुम, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी कहाँ से रखवाई? अच्छा मैं कल यही मिस कर रही थी, मैं लाइबर के लगा दी थी मेहंदी, और इस बार कल मैं खुद ही घूम रही थी मेहंदी लगाने के लिए, कौन लगाएगा कौन लगाएगा, फिर दोस्त के घर गई। यहाँ पे चांद चल रही है ना मेहंदी, हाँ यहाँ पे थोड़ी हेवी लगा दी थी उसने। है मैं फिर मुझे वापस भी आना था ना, फिर मेरी चीज़ें कौन पकड़ता, मुझे ये हो रहा था। चांद सितारे फूल और खुशबू याली, ये थोड़ी हेवी है और ये मैंने चांद सितार वाली लगवाई, वो वाली देखो। तुम दिखाओ अपनी। यार मेरी ना दूसरी बहुत बुरी लगी है। नहीं सही तो है, हल्की फुल्की सी दिखाओ वाली। अच्छी नहीं लगी। दिखाओ, नहीं मुझे तो देखनी है। अरे अच्छी तो लग रही है। अरे ये डिजाइन मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उसको बोला यार ये लगा दे, मैं समझ गई ये इंस्टाग्राम से देखी थी। हाँ मैंने भी लगवाई है, पार्लर से लगवाई है। पार्लर वाले ने बंद मार दिया, दिखाओ। अच्छा जब मैं घर आई हूँ ना तो माशाल्लाह से सब कुछ हो चुका था, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, खाना वाना भी बन चुका था, डाइनिंग टेबल भी माशाल्लाह माशाल्लाह सज चुकी है यहाँ पर। अच्छा मेन्यू में क्या क्या था ये आप लोगों को मैं बता दी चलती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दी चलूँ कि अम्मी ने सारी प्रिपरेशन जो थी अपने चैनल पर ही सारी डाल चुकी हैं, किसी को रेसिपी वगैरह चाहिए तो वहाँ पर देख सकता है। साथ साथ में ना अम्मी ने यहाँ पर बीफ की बहुत ही यम्मी बिरयानी बनाई थी, जो कि बहुत ही पसंद है हम सबको। और साथ साथ में निहारी बनाई थी, हलीम बनाया था बहुत ही यम्मी, और बारबेक्यू आइटम था। और मैं यहाँ से जो है ना ये ईद मुबारक जिस पर लिखा हुआ केक लेकर गई थी। इसके अलावा जो है अम्मी ने मीठा तो इतना लश बनाया था, बिल्कुल एंड कर दिया था। तो खाने में माशाल्लाह बहुत सारे आइटम्स थे, और वो रशियन सैलड भी था और ग्रीन सैलड भी था, मतलब तमाम सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत तरीके से ना यहाँ पर सजी हुई हैं, और आप लोग खुद भी देख सकते हो। और जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, वैसे खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का था। मिट्टू पालू बेबी छोनू बेबी, तो तमाम सारे के सारे मेहमान आ चुके हैं, और यहाँ पर जेंट्स लोग नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए जो डाइनिंग टेबल सजाया हुआ था। अब नीचे जो है जेंट्स लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद लेडीज़ लोग खाना खाएंगे। तो घर के सारे जेंट्स ने जो है ना खाना खा लिया, यहाँ पर अब हम सब बैठेंगे खाना खाएंगे। चलिए जी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई। दीदी कौन कौन दे रहा, सब लोग हाथ उठा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अरे ईद मुबारक अम्मी, अरे तो ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी देंगी देंगी, सबर करो, धीरे धर लो, धीरे धर लो। बाजी ईद मुबारक, बाजी अरे इनके पास तो बड़ा माल है बाजी, डबल ईद मुबारक बाजी, ईद मुबारक। पैसा ही पैसा, यही लिफाफा दे दो मुझे। दूंगा मैं, दूंगा रुक जाओ सबर करो। अरे बात का तो बनाया नहीं लिफाफा, ये बात को भूल गए। दे दो ये क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, एक और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहीं अभी जब वो 500 मिलेगा तब करूंगी।
अस्सलाम वालेकुम। मजर भाई ऐसे ना करें यार, प्लीज मजर भाई, क्या हो गया, इकलौती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या मतलब है शादी हो गई तो क्या मतलब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती क्या? अरे सही है बस कायदे आज़म होने चाहिए। कोई बात नहीं, हम सब कुछ झेल लेंगे, दे दो दही से लेना बाकी। अरे ले लिए उनसे, ले लिए लिफाफा दिया उन्होंने मुझे। अच्छा ये आपने दिया था लिफाफा? मैंने दिया था वो लिफाफा। आए हाय, अच्छा ये बाजी बहुत गलत बात है, कैसे साइड होके खड़ी हुई है, कितनी गलत बात है। मजर भाई, मजर भाई वाकई में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ बेटा, जल्दी जाओ। नहीं बेटा उसको छोड़ दो, कि मजर भाई ने मुझे दिया अलग से, आप अभी दे दो। नहीं पता नहीं। ये लीजिए, सलाम करिए। मैंने कितने गए थे? ईदी नहीं मिलोगे मुझसे? ईदी नहीं मिलोगे? मिले कर लियो हो गया। ईद मुबारक हसन। हट लो अबे, जाना तुझे काहे की पैसों की जरूरत। ये सही था, ये बहुत अच्छा आया। छत पे आए थे अनार जलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी को भी अनार जलाना नहीं आ रहे, सब लोग नाकाम हो गए। मुझे लगता है लाइटर से जलेगा, लेकिन ये लोग माचिस पता नहीं क्या कर रहे हैं, माचिस का ये कैसे चलता है भाई, इसका कोई ट्यूटोरियल देखो। ओह थैंक यू। तो बम फोड़ते कौन सा? ये वाला कैसे बताओ, ये वाला या वो वाला? ये वाला। चलो अलग कर दी, थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है ना शक्ल। चलो अलग कर, ये किस किसने फोड़े अपने बचपन में? मजा आता है फोड़ने में, मतलब है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। वो देखो अभी तक अनार फोड़ने में लगा हुआ है। चलो मैं इसको फोड़ती हूँ। अंबर आप भी यहाँ कान बंद करने के बजाय झुमकियों में लग रही है। चुप करो,
कैसे तेरे फाड़ा बचपन की आगे दादा हो गई चलेगा ये जैसे चल ही नहीं रहा इन लोगों से क्या किया जाए भाई ये देखो कितने तीन इन्होंने जला जला के फेंक दिए ये देखो हवा बहुत तेज चल रही है तहसीन जब नहीं आ रहा चलाना रहने दो आई थिंक लाइटर से ही चलेगा ये हवा तेज चल रही है ना और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ईदी बांट रहे हैं बच्चों को मतलब जहांगीर इबाद हसन और हुसैन फोटो शूट चल रहा है चुकी हूँ घर और कमरे की कुछ हालत ही हो रही है देखो सुबह जो दोपहर में अल्लाह अकबर मतलब कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है कमरा सो और मेकअप भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है मैं बस जल्दी जल्दी में गई थी मैं अभी सामान आकर मैं जो है ना वो करूँगी फिर अभी इन सबको समेटूँगी और फिर थोड़ा सा आराम करूँगी फजर भी हो चुकी है और फजर के टाइम आई हूँ मैं घर पर तो फिर आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा आप सबको फिर से मेरी तरफ से जो है ईद मुबारक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए तब तक लिए दीजिए इजाज़त इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय बाय